तो हमारे एक बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट हैं जिनको बहुत बहुत मेरा दिल करता है उनसे बातें करने को, क्योंकि वो बहुत वाइज बातें करते हैं. ऐसी बातें करते हैं जिससे जब हम जाते हैं, जब मैं जाती हूँ या आप प्रोग्राम देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि इन्होंने ये बात की थी, ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात थी. और आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास. उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जिस तरह उनका एक्सपोजर है और एक्सपीरियंस है, दैट एक्चुअली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे और आज उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद में रहना बहुत पसंद करते हैं, और उनको जब कहा जाए कि जनाब आपने लाहौर या कराची जाना है, तो वो बड़े अनकम्फर्टेबल से हो जाते हैं. सो लेट्स गो एंड लेट्स आस्क दिस गेस्ट ऑफ आवर्स कि वो इस्लामाबाद को इतना पसंद क्यों करते हैं. व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट हियर? डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन फैसल जावेद फ्रॉम पीटीआई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं रबी? ठीक ठाक. वेलकम टू इस्लामाबाद. आपने हमें इतना नेचर के पास बुला लिया, आए बैठे हैं. बड़ा अच्छा लगा. बहुत अच्छा है. ये बचपन मेरा सारा इधर, ये E7 के करीब पीछे ये फाउंटेन यहाँ पे छोटा होता था, मैं यहाँ आता था, हम खेलते. ये फाउंटेन कभी चलता भी था? चलता है, अभी भी चलता है. शाम अच्छा. को शायद चल जाए थोड़ी देर में. अच्छा. और पीछे वो बैनियन ट्री है. फाउंटेन की हम बात कर रहे हैं, हम आपको बाद में दिखाएंगे वो लोग. हम अपनी बातें हमने शुरू कर दी. देयर इज अ ब्यूटीफुल फाउंटेन देयर जहाँ पर अभी हम वॉक करके जाएंगे भी. तो वो अच्छा, यूजुअली ऐसा होता है कि लोग, एक जो मुझे आपके शहर से बड़ी शिकायत है ना, ये मैं आज जरूर करूंगी. मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मुझे बड़ी शिकायत है. अब अल्लाह करे कि ये शहर भी आपके अंडर आए कभी, आप इसका इसको लुक आफ्टर करें. डस्टबिन क्यों नहीं बनाते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. CDA है, लेकिन आप देखें यहाँ कितना गंदगी पड़ी हुई है. उसका रीजन देखें, मैंने देखा है अमेरिका में भी देखा, आपने देखा होगा कि जहाँ पे डस्टबिन नहीं होते लोग फेंकते हैं, गंद हर जगह पे फेंकते हैं, बट उनके हर दो कदम के ऊपर डस्टबिन होते हैं. इस्लामाबाद में अगर कोई CDA का बंदा ये देख रहा है, वैसे तो मैं भी दो चार लोगों को जानती हूँ, मेरे कॉन्सर्ट्स बड़े हैं CDA के. यहाँ पे डस्टबिन लगे थे, वो इतने साफ थे कि लोगों ने कहा कि डस्टबिन को गंदा नहीं करते. वैसे ऐसा भी होता है, ऐसा भी अक्सर होता है गाइस कि वो लोग, हाँ अक्सर डस्टबिन मैंने देखे हैं कि वो खाली होते हैं और साथ में पड़ा होता है. हम पाकिस्तानी है ना, कुछ तो स्पेशल. लेकिन डस्टबिन यहाँ पे अब इतने नहीं रहे, वैसे होने चाहिए, है ना, होने चाहिए. मैं भी लास्ट टाइम एक पार्क में गई थी और वहाँ पे मैंने ट्रैश फेंकना था, और मेरे साथ कोई 8-10 बच्चे थे फैमिली के, और आई वाज लाइक, मैं उनको बता रही थी कि बेटा ट्रैश इधर नहीं फेंकते. वो आधा घंटा मैं ढूंढती रही, डस्टबिन नहीं मिला. मैं खुद ही थोड़े से, मैंने कहा अच्छा यार, नहीं ट्रैश को ऐसे करके ना इनके साइड पर रख देते. कभी कभी हम देखते हैं ये मार्गला रोड जो है, यहाँ पे ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर कोई जा रहा होता है, और ब्रांड न्यू गाड़ी होती है बड़ी जबरदस्त थी, उसके अंदर से बाहर यूं पैकेट आ रहे होते हैं रोड के ऊपर. सो दिस इज अ सर्विस मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज गाइस, प्लीज खुदा का वास्ता है कि अपना, ठीक है हम बहुत अजीब और गरीब किस्म के लोग हैं, बट चूंकि पूरा वेस्ट बेहतरी की तरफ जा रहे, तो हम क्यों नहीं जा रहे? तो प्लीज गंद ना फेंका करो. जब पढ़े लिखे लोग, ये जिस तरह से फैसल ने बात की कि आप गाड़ी के अंदर से इस तरह से चीजें फेंकते हैं, बहुत बुरी बात है. ये तो वाकई बंदा कितना इंप्रेशन खराब होता है. आपने नंबर नोट कर लिया करें, मैं अपने फैन पेज पे लगा दूं. नहीं, मैं आगे जाके रोक के बात जरूर करता हूं. अच्छा, करते हैं. बताता हूं कि इस तरह मत करें. ये मुल्क भी आपका घर है, और इसको गंदा करना ऐसे ही है जैसे आप अपने घर को गंदा कर रहे हैं. तो थोड़ा मैसेज देते हैं, लेकिन हर आजकल लोग इतना जल्दी चीजों अच्छा, को अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रही, मेरी फ्रेंड्स भी बड़े अरसे से पूछना चाह रही थी कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और यहीं पर पले बड़े और बड़ा अच्छा सा एनवायरमेंट है, तो ये जो आपका रंग सफेद है और आपकी आंखें बिल्ली आंखें कहूंगी, आई वोंट से देम ग्रीन आईज बाय द वे, ही हैज वेरी गुड कलर ऑफ आईज, तो ये कैसे हुआ? ये मैंने पेंट तो नहीं करवाया ना. कुछ नेचुरली है, लेकिन मैं वैसे, हम पठान है, स्वाबी से हूँ मैं, यूसुफ जई खान खेल है, और आओ का ना पख्तों की खबरों की इसमें सरा. वाओ, आई डिड नो इट. आपको पता है कि मैं पश्तो में पहली दफा गाना अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ. अच्छा, वाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से पश्तो का गाना गाया. अच्छा, पश्तो गाने मुझे समझ नहीं आता. अच्छा, ये नहीं नहीं वो आप, मुझे भी नहीं समझ आया. लेकिन ये अच्छा पठान है. सो स्तानुम सदे जमानुम खुफैसल दस्ता सुनुम राबिया दुड़े खुरे अबुस के अवल है ना उबुस को हम दुड़े उमुखरुम. यार आपके मुंह से पश्तो कितनी चिल्ली, मुझे इतनी आती है.